गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग. सो ये मेरा घर का पहला ब्लॉग होगा और इट्स नॉट ब्लॉग बट आई वांटेड टू कि सबके साथ कनेक्ट होने के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है. तो हमारे घर में मस्ती होती रहती है और सो हमारे घर में एक हाउस हेल्प है, उसे सब पता होता है, वो साइंस से भी आगे बढ़ चुका है. सो मैं वो दिखाना चाहती हूँ. कहाँ जा रहा है संजय? रुक, संजय रुक. गया ये अकेला है जिससे ये पूछना होता है, दीदी आप कौन सा नेल पेंट लगा रहे हो, बड़ा ही प्यारा है, ये मत लगाओ, दूसरा लगा लो. सो इसके बड़े लॉजिक्स होते हैं और यही है वो जनता जो उल्टी सीधी यूट्यूब से न्यूज़ देख के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने में भरोसा करती है. और ये आप बोलते हैं आप बस कंटिन्यू रहो, मैं भी वीडियोज़ दिखाती रहूँगी. बहुत डांट खाता है कभी कभी, अपना दिमाग इतना ज़्यादा चलाता है ना ये. संजय, मैंने क्या बोला तुझसे अभी भी, ये नाम बदल के संगीता रख ले संजय की जगह, है ना? तो अभी मुझे मॉडर्न बनना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अच्छी स्टाइलिश चाहिए और फिर उसके लिए मुझे ये बहुत सारा गर्म पानी पीना पड़ेगा और फिर डाइट भी चलना पड़ेगा. उसके बाद में जब मेरा ये पेट अंदर जाएगा और फिर मेरी कमर, मेरे सारे फिगर्स हो जाएंगे संगीता की तरह, तो फिर मैं संगीता हो जाऊँगा. अभी मैं फिलहाल संजय. वो तो हरकत है तो सारी संगीता वाली करता है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. तू खुद बता दे चल लोगों को कि तू YouTube से देख देख के क्या क्या एक्सपेरिमेंट बताता रहता है मुझे. जैसे कि मेरी अभी फिलहाल में दीपिका दीदी है, मैं उनके बारे में ज्यादा चर्चा करता हूँ. उनके बारे में YouTube, तुझे क्या पता सच्ची चर्चा कर रहा है या झूठी चर्चा कर रहा है? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ जो कि मेरे दिल में है कि मेरी दीदी ने इतना बड़ा नाम कमा करके अभी डाउन लेवल पे क्यों जा रही है धीरे धीरे. तो एक काम कर, तू रिपब्लिक चैनल ज्वाइन कर ले. बस रिपब्लिक चैनल ज्वाइन कर ले. तो वो मुझे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. अच्छा संजय, तू पूरे दिन फोन पे क्या बातें करता है, मैं जानना चाहती हूँ सच्ची बात. मैं फोन पे, हाँ, क्योंकि तू बीवी बच्चों से तो बात नहीं करता, तो दोस्तों से ही बातें करता है. क्या बातें करता रहता है? अभी मैं एक संस्थान खोलना चाहता हूँ जिसमें किसी लोगों का मैं हेल्प कर सकूँ और जैसे किसी का कोई किसी को काम दिलाना मुझे अच्छा लगता है. कोई किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है. तुझे खाना तो तुझे सारा बनाना आता है, लेकिन कभी कभी तुझे क्या हो जाता है कि सिखाना पड़ता है? एक्चुअली कभी कभी मुझे जब टेंशन होता है तो मेरे फ्रेंड्स को लेकर के या मेरी फैमिली को लेकर के, सबसे ज्यादा तुझे इतना भी कोशिश करूंगा कि मैं बहुत अच्छा बनाऊं, लेकिन अच्छा बनता है नहीं. अच्छा अच्छा, तेरा नाम बता अपने फ्रेंड्स का. मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जिगरी फ्रेंड्स हैं संजीत सिंह और अदरवाइज बहुत सारे फ्रेंड्स. नहीं नहीं, प्रभु का नाम कैसे भूल गया पूरे टाइम? प्रभु 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 करता रहता है तू. वो तो एक्चुअली मेरा जॉब के लिए मैं उसको करता हूँ कॉल कि इनको जॉब चाहिए, है क्या तुम्हारे पास में लड़का, मेरे पास में जॉब है, तुम लड़के भेजोगे क्या, तो उन सब चीजों के लिए, है ना? है ना जी. छोटा देखो संजय कितना सिंसियर हो गया ना कैमरा ऑन होते ही. ये देखो संजय, सच बताओ दुनिया को, हैं इधर आ, कहाँ भाग रहा है, कहाँ दिखाओ. तो इसे इस लड़के को सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है. मैं कौन सा नेल पेंट लगाती हूँ, मैं कैसे बाल कटवा रही हूँ, मैं हेड स्टैंड कैसे करती हूँ, मैं एक्सरसाइज कैसे करती हूँ. मुझे भी लगता है मेरे बहुत बड़े लंबे बाल हो यहाँ तक और फिर मैं ये स्टाइल अच्छी अच्छी करूँ और ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए और घर बहुत सारा अच्छा होना चाहिए, व्हाइट कलर का पेंट होना चाहिए घर. अच्छा संजय ने बहुत सारे लोगों के काम किया है. संजय एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? जैसे कि अभी मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी मान सर के यहाँ पे आया उससे भी अच्छा है. यहाँ पे इसका अभी बोल रहा है, इसका पहले दिन के बाद मन नहीं लगा था करने का, ज्यादा टाइम मिलता है इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं. यहाँ इसके पास काम ही नहीं है. यहाँ मेरे पास में काम तो होता है नहीं, मैम चली जाती है सेट पर, सर चले जाते हैं सेट पर, तो मुझे पूरा दिन मैं फ्री रहता हूँ. तो लोगों को परेशान करना मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम. मुझे तेरी हॉबी है? हाँ, मजबूरी है. चलो गाइस, स्टे ट्यून. Guys, I am back again. So stay tuned for this all musty vlogs from me, from my house. And ऐसी मजे करते रहेंगे, ऐसी आपको रोज रोज कुछ नया अपलोड करती रहूंगी ताकि आप लोग हंसते रहें. So do subscribe my channel, like my channel, comments there. और उसके बाद बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अभी मैं न्यू ब्लॉगर बनी हूँ.
बाकी सब ऑल गुड. प्लीज़ कीप स्माइलिंग. और दुनिया में जो हो रहा है वो होता रहेगा, बट ऑफकोर्स बहुत सारी जेन्युइन चीज़ें भी हैं जिन्हें हमारे हमारी सारे अटेंशन की ज़रूरत है. सो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. और जो भी बाकी चीज़ों को हाइप किया जा रहा है उनसे हटके भी बहुत जेन्युइन चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि फार्मर बिल्स एंड ऑल एवरीथिंग, तो उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए. एंड ये चीज़ें तो होती रहेंगी. मीडिया है एंड बींग अ मीडिया पार्ट, आई डोंट फील लाइक कि हर चीज़ रियल हो सकती है. कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, बट जो चीज़ें नहीं दिख रही है उन पर भी ध्यान दीजिए. एंड स्टे ट्यून्ड टू सृष्टि महेश्वरी एंड लव यू ऑल.